नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आपके साथ में हूं अक्षय बिदुआ। और इस वक्त आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर बड़ी कवरेज, लगातार कवरेज। और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से आने वाली राज्यसभा की सीटों की चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है, सुबह वोटिंग शुरू हुई। लेकिन अभी इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में 10 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है, राज्यसभा में इस वक्त वोटिंग हो रही है राज्यसभा की सीटों के लिए। और बीजेपी के 275 विधायक हैं जिन्होंने ये वोट डाला है, बीएसपी के 18 और कांग्रेस के 7 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने वोट डाला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये वोटिंग लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की 10 सीटों के लिए ये मतदान चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की अहम खबर है, लगातार मतदान जारी है और राज्यसभा की 10 सीटों के लिए लखनऊ में मतदान चल रहा है। विधानसभा में सभा की वोटिंग शुरू हो गई और हमसे बात करने के लिए अभी सरकार प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा जी मौजूद हैं। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए नवा कैंडिडेट उतारा गया है। सर, जब फंसते हैं तो आरोप लगाते हैं और इसलिए उनके आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं, षड्यंत्र के तहत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पराजय उनको दिखाई दे रही है। क्योंकि एक दल तो ऐसा है जिसके पास बहुमत ही नहीं है, फिर भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। एक दल है जिसको अपने विधायकों को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। हम पर अनगढ़ आरोप ना लगाएं बल्कि अपनी पार्टी को संभालें। लास्ट सीट के लिए सर 28 विधायक थे आपके पास, आपने उसके बाद खड़ा किया, और किस तरीके से आगे की वोट मिलेंगे? सर, हमारे पास 28 हैं इसलिए हमने नोवा खड़ा किया। और सपा के बीएसपी के पास कितने हैं? वो तो बिल्कुल भी एकदम नीचे हैं, तो फिर हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? 4 बजे पोलिंग खत्म होगा, उसके बाद परिणाम आएगा, सबके सारी पिक्चर आप लोगों के सामने। दो लोगों को वोट करने के रोक लगा दी गई है और विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है। इस देश में कानून अपना काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा जी, जिनका साफ ये कहना था कि सरकार पूरी तरीके से जीत रही है, भाजपा के जितने कैंडिडेट हैं वो सभी जीत रहे हैं और हमारे पास पर्याप्त बल है, पर्याप्त विधायक हैं, तो इसी वजह से हमने अपना नवा कैंडिडेट भी खड़ा किया है। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर लखनऊ। और आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी विधायक संगीत सोम है, उनसे बात की हमारे संवाददाता विक्रम राठौर ने। इस मुद्दे को लेकर चारों ओर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त राज्यसभा की 10 सीटों के लिए ये मतदान जारी, क्या कहना है संगीत सोम का, सुनिए। अभी वोटिंग करके आए हैं, किस तरह लगता है कि क्या जैसे नवा प्रत्याशी को लेकर असमंजस बना हुआ है, किस तरीके से वोटिंग होगी? नहीं, एकदम गलत कह रहे हैं आप, एकदम कोई असमंजस नहीं है, एकदम क्लियर मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी के 9 के 9 कैंडिडेट जीत रहे हैं। नहीं, अभी जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि खरीद फरोख का काम चल रहा है, और अभी बसपा के एक विधायक अनिल सिंह जी आए, उन्होंने भी यही चीज कही कि हम भाजपा को वोट कर रहे हैं, तो ये खरीद फरोख कहीं भ्रष्टाचार का एक रूप नहीं है? नहीं, ये कोई खरीद फरोख तो नहीं, जो अपनी इच्छा से वोट दे रहा है अपनी इच्छा से दे रहा है, वो चाहे सपा का हो या बसपा का, वो उनके कारनामे देख के उन्हें नहीं वोट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नीति को देखते हुए वोट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे संगीत सोम जी, जिनका साफ ये कहना था कि जिस तरीके से सभी विधायक भाजपा जो बसपा के हैं, अगर कोई आके भाजपा को वोट कर रहे हैं तो ये मोदी जी और योगी जी की जीत है और ये उनकी नीतियों की जीत है। कैमरा पर्सन सोम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर लखनऊ। तो चलिए, चर्चा का दौर इस वक्त चल रहा है और हिंदी खबर की न्यूज रूम में इस वक्त हमारे मेहमान, आज के मेहमान जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है, राज्यसभा कौन कौन जाएगा, 10 सीटों के लिए जंग जारी है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ये कांटे का मुकाबला है और हर बीच हम आपको ऐसी खबरें सुनाते रहेंगे कि कोई अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहा है, कोई किसी पाले में जा रहा है, किसी की किसी से डील हो रही है। ट्विटर पर लगातार प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं नेताओं की। कुछ देर पहले हमने आपको राजा भैया का ट्वीट भी बताया था जो कल रात को उन्होंने 10 बजे किया था, 10:30 बजे के ट्वीट में राजा भैया ने लिखा था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बसपा के साथ भी हैं। और उसके बाद फिर खबर ये भी आई कि बीजेपी उनसे संपर्क में है, राजा भैया बीजेपी के संपर्क में, तो इस तरह की खबरें लगातार आती रहेंगी। लेकिन असल में जो जुगत है वो है आगे निकलने की। 8 सीटें बीजेपी की हैं इस वक्त, जो बीजेपी जिन पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो निकाल रही है। 9वीं सीट को लेकर जंग है। हमारे चर्चा के मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं, आपको उनसे मिलवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त हिंदी खबर के न्यूज रूम में समाजवादी पार्टी की ओर से राघवेंद्र दुबे साहब हैं, इसके बाद मेरे साथ सैफ अली खान साहब हैं, आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं इस वक्त हिंदी खबर के न्यूज रूम में। हमारे पॉलिटिकल
एडवाइजर राजनीतिक सलाहकार ए के मिश्रा जी हमारे बीच हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अजय शर्मा जी। हिंदी खबर की न्यूज रूम में आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो अजय शर्मा जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि तीन पार्टियां एक तरफ और बीजेपी इस वक्त एक तरफ, और आप पर आरोप ये है कि आज लखनऊ में जो जोड़ तोड़ हो रहा है वो इतिहास की सबसे बड़ी जोड़ तोड़ है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी विनिंग पार्टी के तौर पर हैं। इन सब के एक होने के बावजूद भी विजय हम ही को मिलने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीत रही है। चलिए बताइए, भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीत रही है। देखिए, ये सोच अच्छी है कि हम 9 या 10 सीटें जीते। सर, आधार भी बताना होगा, आप जो कहेंगे परिस्थितियां आपके हक में हैं इस वक्त की नहीं है, ये भी आपको देखना है। बिल्कुल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाकी के 9th और 10th सीट हैं वो जो है हम यूटिलाइज कर पाएंगे, और हमारी सपोर्टिंग जो पार्टीज हैं वो यूटिलाइज कर पाएंगे। उसका बहुत बड़ा आधार भी इस चीज़ के पीछे, क्योंकि जिस राजा भैया का आप जिक्र कर रहे हैं वो बीएसपी को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स में, जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो उल्टे चलने का ग्राफ है वो तो गुजरात से शुरू हो गया था, जब इन्होंने कोशिशें की अहमद पटेल साहब की जो सीट है उसमें रुकने के लिए राज्यसभा में जाने से। आज लगातार हम ये देख ही रहे हैं कि खरीद और फरोख की राजनीति तो ये करते आ रहे हैं। उत्तराखंड का अगर आपको एग्जांपल दूं तो 12 विधायक थे, 12 के 12 वैसे के वैसे इंपोर्ट कर लिए गए। पहले उन पर कीचड़ फेंकी थी, फिर उनको वैसे इंपोर्ट करके और अपने जो है उसमें कैबिनेट में उनको जगह दे दी, और आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सर्व कर रहे हैं। वैसे अगर उत्तर प्रदेश में लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में MLC से लेके जितने लोग हैं, तोड़ने की और जोड़ने की राजनीति जो है वो सबसे महारत जो अगर हासिल है तो भारतीय जनता पार्टी को है। मगर खैर, मैं दोनों सीट्स का अगर आकलन करके आपको बताऊं तो ये दोनों सीट्स जो हैं वो हम कॉन्फिडेंट हैं कि दोनों सीट जो हैं वो बिल्कुल जो हमारी सपोर्टिंग पार्टीज है वो निकाल के लेके आए। क्या कहेंगे राघव जी? हम जीतने जा रहे हैं, उनका हाल मुझे लग रहा है कि वो गुजरात जैसा होगा कि गुजरात में जब इनकी सीट चली गई थी बहुत इन्होंने साम नाम दंड भेद सबको चला। आपने देखा होगा कुछ लोगों पर CBI लगा दी थी, उनका छापा उसी टाइम पड़ा था। इसके बाद भी ये हार गए, बहुत सारे इन्होंने तोड़फोड़ भी की थी, वहाँ से भी कांग्रेस के लोग अपने तरफ कर लिए थे, इसके बावजूद भी ये हार गए थे। यहाँ भी यही खेल चल रहा है। लेकिन अभी जो मौके की स्थिति है वो ये है कि नितिन अग्रवाल का वोट बीजेपी को चला गया है, बसपा के एक विधायक हैं अनिल सिंह वो बीजेपी के पाले में चले गए हैं, वो पार्टी जो ऑलरेडी अपनी 8 सीटें निकाल रही थी एक 9वीं सीट को लेकर फाइट में है, 2 विधायक उन्होंने अपनी तरफ मिला लिए, राजा भैया को लेकर संशय बना हुआ था उन्होंने अभी क्लियर किया है, तो ये परिस्थितियां जो हैं वो आप लोगों की बात को सपोर्ट कर रही हैं क्या? देखिए, परिस्थितियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग इनके भी परेशान हैं और इनमें घुटन महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे इनके दल हैं जो लगातार इन पर आक्षेप लगा रहे हैं। अनिल राजभर ने साफ कर दिया है कि वो वोट तो बीजेपी को ही करेंगे। अभी अमित शाह जी से बात हुई है और अपना दल वालों ने भी बात की है, कभी उनका जो भी सौदे बाजी हुई, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये 2 विधायकों से पूरी गवर्नमेंट बना लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर 9 लोगों ये कहते हैं कि स्वच्छता की बात करते हैं और ये कहते हैं कि पारदर्शिता होना चाहिए, तो ये भी तो एक बेईमानी है कि जिसका बहुमत बिल्कुल आसपास से नहीं हो इसका मतलब खरीद फरोख्त होगा, धन बल का प्रयोग होगा, सत्ता बल का प्रयोग होगा, तो ये उसी को साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं कि किसी तरीके से खरीद फरोख्त को यही बढ़ावा देते हैं हमेशा। आपने देखा होगा जहाँ इनके मेघालय 2 केवल विधायक हैं वहाँ भी गवर्नमेंट में। सर, ये तो टैलेंट हुआ ना, ये तो रणनीति हुई ना? नहीं, ये टैलेंट नहीं है, ये सत्ता बल की, मैं कह सकता हूँ कि सत्ता और धन बल का दुरुपयोग है, जिसको ये लोग तो वही हैं कि मतलब मंदिर तो नहीं बना पाए लेकिन 1350 करोड़ का इन्होंने अपना ऑफिस बना लिया, कार्यालय, और बताते भी बड़े शान से कि दुनिया में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो इनसे अच्छा ऑफिस कोई ऐसा 7 सितारा बना सके, तो ये लोग तो धन का किस तरीके दुरुपयोग कर सकते हैं। ये कहते हैं कांग्रेस बहुत भ्रष्ट है, 60 साल लगातार भ्रष्टाचार हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ से मजदूरी करके ले कोई लोन लिया है? 4 साल में हमने 1350 करोड़ का। ठीक है, इतिहास में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आज की बात करेंगे। तो आइए, बहुजन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी BSP और निषाद पार्टी के विधायकों से बात की है हिंदी खबर संवाददाता ने। पहले हम आपको रिएक्शन सुनाते हैं, फिर हम चर्चा पर वापस लौटेंगे। राज्यसभा की वोटिंग जिस तरीके से हो रही है और जिसमें भाजपा ने अपने नवा प्रत्याशी उतारने के बाद जिस तरीके से असमंजस की स्थिति बना दी थी, उस पर हमसे बात करने के लिए निषाद पार्टी अध्यक्ष विजय मिश्रा जी हैं। किसको वोट किया आपने? भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को। समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी से आप मिले थे, आपकी उनसे अंतरंगता भी कही जाती है, आपकी उनसे बातें हैं, आप पूरे फैमिली से जुड़े रहते हैं, क्या कारण रहा भाजपा में जाने? माननीय शिवपाल जी से कल मिले थे, आज भी मिलेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, हमारे परिवार के गार्जियन हैं, पूरा पारिवारिक रिश्ता है, उनकी कोई बात आएगी तो हड्डी राख तक समर्पित कर देंगे, वो अच्छे इंसान हैं,
वो हमारा रिश्ता है, लेकिन वोट हमने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश हित में, देश हित में, विकास के लिए आदरणीय पूज्य मोदी जी, योगी जी पर विश्वास रखते हुए, उनकी नीतियों में विश्वास रखते हुए, क्योंकि गरीबों कमजोरों को उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं, हमने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। शिवपाल जी या अखिलेश जी गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे? अब ये तो आप पता लगा ले, गरीबों के लिए यह गठबोड़ हो रहा है कि अपने लिए हो रहा है? बिल्कुल, तो क्या शिवपाल जी को हटा दीजिए, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से कल आपने जब आप गए थे शिवपाल जी से मिलने, तो उन्होंने कहा नहीं आपसे कि कहा वो इतनी बात नहीं हुई, आज भी शिवपाल जी से मिलकर जाएंगे? नहीं तो क्या वो लखनऊ सपा को वोट करने के लिए नहीं कहा? नहीं कहा, ये छोड़िए बात, जब भी हमसे आएंगे हम शिवपाल जी से मिलते हैं, परिवार मिलकर जाएंगे। इसमें भी असमंजस है कि शिवपाल जी मना कर रहे हैं? नहीं, कहा होगा, वो क्यों मना करेंगे, लेकिन जब हम सहमत नहीं है, उनकी कोई बात आएगी सहमत है, समाजवादी पार्टी से हम सहमत नहीं है। कल दो पार्टियां हुई समाजवादी पार्टी की ताज में, विधायक की विधायकों की पार्टी हुई, एमएलसी की पार्टी हुई, सभी लोग वहां पर थे, शिवपाल जी भी वहां पहुंचे थे। आप जैसे कह रहे कि आप शिवपाल जी की बातें मानते, तो उन्होंने कहा नहीं आपको कहा होगा, लेकिन हम उनकी बात जरूरी है, जब दूसरे के लिए कहा मानेंगे, उनकी व्यक्ति की बात होगी तो मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी में है तो समाजवादी पार्टी के बट नेचुरल है कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे शिवपाल विजय मिश्रा जी, जिनका साफ ये कहना था कि उनकी जो बातें हैं उस शिवपाल जी से पूरी हैं और शिवपाल जी से उनकी लगातार बातें होती हैं, मगर वोट उन्होंने भाजपा को ही किया है क्योंकि वो योगी की नीतियों से प्रभावित हैं। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। के विधायक अनिल सिंह अभी वोट करके आए, हमसे बात करने के लिए अनिल सिंह जी मौजूद हैं, अभी आप वोटिंग करके आए हैं, किसको वोट दिया अगर, क्योंकि आपकी वोट को लेकर बड़ा असमंजस है? देखिए ऐसा है, मैं बताया कि मैंने सबसे बताया, आपको भी बता रहे हैं कि मैं महाराज जी के साथ में हूं, और मैंने वोट किसको दिया किसको नहीं दिया ये आपको 4 बजे पता चलेगा। मैंने वोट डालकर लाल जी वर्मा जी को दिखा दिया है और उसके बाद मैं चला आया हूँ। अब आगे आप क्या कारण रहा कि आपकी वोट को लेकर इतना असमंजस हो रहा है, अगर आपने लालजी वर्मा को जो दिखा दिया तो इतना नाम आपका क्यों आया सामने कि आप भाजपा को वोट करेंगे बसपा को नहीं करेंगे? अब ये तो हम कैसे बताएं, तो भाई आप लोग हैं, मीडिया वाले हैं, कुछ भी दिखाते रहते हैं। नहीं, कल 5KT में भी आप थे? हाँ बिल्कुल थे। वहाँ पर क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई, वोटिंग को लेकर जय जय किए चले आए। राज्यसभा की वोटिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई? नहीं, हमारी कोई इस प्रकार से बात नहीं हुई, और गया मिला नमस्ते किया चला आया। अब तो मिलना हमारे मुख्यमंत्री मिलेंगे नहीं, मान ले कि आपने बसपा को वोट किया, ये कैसे मान ले, शाम को पता चल जाएगा, रुको रहा थोड़ी देर, ठंडा ना होने दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे बसपा विधायक अनिल सिंह जी, जिनके नाम पर पहले लगातार असमंजस बना हुआ है कि उन्होंने किसको वोट किया है, जिस तरीके से अभी वो वोट करके बाहर निकले हैं, और उसके बाद अभी भी ये चीजें क्लियर नहीं हुई है कि उनको किसने वोट किया। उन्होंने ये चीज साफ किया कि उन्होंने जो वोट किया है वो लालजी वर्मा को दिखाकर किया है, जिसका पता शाम को 4 बजे ही चलेगा। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो प्रतिक्रियाएं लगातार साहित भी हैं, जो लखनऊ में इस वक्त माहौल है वहाँ का दबाव तीनों चारों पार्टियां समझ सकती हैं, हमारे पास प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, ये बड़ी खबर अभी अभी लखनऊ से हमें मिल रही है, और निर्दलीय विधायक राजा भैया का बड़ा बयान सामने आया है, राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार के लिए वोट करूंगा, ये राजा भैया ने कह दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, अखिलेश यादव ने राजा भैया को शुक्रिया भी इसके लिए कहा है, और आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का, सुनिए। मायावती से हमारा पुराना विरोध है, उनके साथ हम नहीं हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। एक और सवाल ये आया था कि वोट देने जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे, 4 बजे तक वोटिंग है और अभी 1:15 बज रहा है, तो पर्याप्त समय है, तो इसके बाद वोट करने जाएंगे, स्पष्ट इसमें सारी बातें स्पष्ट हो गई। तो आइए चर्चा की ओर हम लौटते हैं, और इस वक्त हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से राघवेंद्र दुबे मेरे साथ है, कांग्रेस की ओर से सैफ अली खान, और बीजेपी की ओर से अजय शर्मा हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, हिंदी खबर के न्यूज रूम में, और हमारे राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा लगातार बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, ये जो इस वक्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हमने बात की तीनों ही पार्टियों से, सभी आश्वस्त हैं, लेकिन परिस्थिति क्या कहती है? अगर आप नितिन अग्रवाल का वोट देखें, अगर आप अनिल सिंह का वोट देखें, और राजा भैया को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही, वो तो हम देख ही रहे हैं। नहीं देखिए अक्षय जी, मैं आपको बोलूँगा, हमारे सारे मित्र किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, और आशावादिता क्या होती है ये इनसे सीखना चाहिए, हमें रियलिस्टिक होके एनालिसिस करना चाहिए, मेरा किसी पार्टी से कुछ नहीं है। मैंने सुबह भी आपको ये बोला था कि देखिए जो निर्दलीय विधायक हैं उनका मेन रोल होगा और क्रॉस वोटिंग का मेन रोल होगा,
कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने बोली थी रिजल्ट्स उसी तरीके के आ रहे हैं, राजा भैया ने अभी ट्वीट किया वो बार बार बदल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वोटिंग क्या होगी, पीछे के डायनामिक्स को ज़रा समझने की आप कोशिश करिए कि कोई निर्दलीय आदमी या व्यक्ति क्यों किसी को वोट करेगा। अच्छा, अभी बात यह भी हो रही थी कि हो सकता है बीजेपी में भी कुछ क्रॉस वोटिंग हो, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि सजी सजाई हुई थाली को छोड़ करके उससे बेहतर ऑप्शन बीजेपी वालों को नहीं मिलेगा। दूसरी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो हो सकता है डिक्लेयर्ड वे में करें, जैसे कुछ लोगों ने डिक्लेयर कर दिया अभी या अभी के पहले, कुछ लोग हो सकता है डिक्लेयर ये करें कि हम अपनी पार्टी को करेंगे लेकिन जाकर के वोट किसी और को देंगे, उसमें उनके अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं और उनकी अपनी फ्यूचर की प्लानिंग है। तो मुझे ये लगता है, अच्छा दूसरी ये चीज़ है कि बीजेपी के लिए ये इलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल के लिए, सेंट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ऐसा कोई कोर कसर छोड़ेगी कि वो ये गेम हार जाए। दूसरी पार्टियों के लिए जीतने पे भी कोई बहुत माइलेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है जीतेंगे वो एक दर्ज होगा रिकॉर्ड में कि वो जीत गए। राज्यसभा में इससे बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं, राज्यसभा में फर्क पड़ेगा, देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि विपक्षी लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं, ये है कि वो बीजेपी को रोकने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि राज्यसभा में बीजेपी को रोक दिया जाए या इस जीत से उनको कोई जो है डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। तो सारे के सारे लोग इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि राज्यसभा में जो बीजेपी का शक्ति संतुलन है उसको चेक किया जाए, उनको डायरेक्ट बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा, उनको केवल ये होगा कि बीजेपी जो अपोजिशन है उसको चेक किया जाए। मुझे ये लगता है कि बीजेपी बहुत गंभीरता से इसको ले रही है, दूसरी पार्टियाँ भी ले रही हैं, और वो किसी भी तरीके से इस इलेक्शन को वो हारना नहीं चाहेंगे। और अभी जितने भी आ रहे हैं, देखिए इन्होंने बीएसपी वालों को भी तोड़ा, दूसरे और लोगों को तोड़ा, कई निर्दलीय लोगों को इन्होंने अपने में मिलाया, तो उनके इफ़र्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर उनके इफ़र्ट्स को हम देखें जिस हिसाब से वो लोग लगे हुए हैं तो उससे भी ज़्यादातर उम्मीदें ये हैं, हालांकि असली चीज़ तो पता चलेगी कि अभी दो चार घंटे के बाद जब रिजल्ट आएगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और इसमें नंबर वन अगर प्रेफरेंस किसी को दिया जाएगा, चाहे कोई कैंडिडेट हो चाहे जो भी हो, वो भी देगा तो वो बीजेपी को देगा। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का कुछ नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो उम्मीदवारी है, उनका जो क्लेम है वो बहुत सशक्त है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स थिंग्स, ये डायनामिक्स है, ये फैक्ट है। तो जिसके कारण कि जो रिजल्ट जो ज़्यादातर फेवरेबल होना चाहिए वो बीजेपी के फेवर में होना चाहिए। चलिए सैफ अली खान, ये बताइए कि डूबती हुई नाव में तो कोई सफ़र नहीं करना चाहेगा ना, और जिसको ऑफर आएगा वो जाएगा, जिसको नहीं आएगा वो कहेगा जी आपने जिस थाली में खाया उसी ने छेद किया, आपने पार्टी छोड़ दिया, आप इतने दिनों हमने साथ दिया आज आप उसमें चले गए, जिसके पास ऑफर नहीं आएगा उसके लिए अंगूर खट्टे हो जाएंगे। देखिए आज का जो 58 सीट्स की हम अगर बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि जाहिर सी बात है हर पार्टी को जो अपने कैंडिडेट्स के ऊपर ना यकीन और ना यकीन के ऊपर साफ साफ एक छवि जो है वो क्लियर निकल के आ जाती है। अब रही आपने बात जो दूसरी की कि जो है अगर अंगूर खट्टे होंगे तो जो है यूपी की 10 सीटों पर, खास यू उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की बात कर रहे थे हम, जो अभी भी कर रहे हैं, जिसमें करंट स्ट्रेंथ जो है अगर बात करें 245, लोकसभा की अगर बात करें 233 जो है इलेक्टेड हैं, 12 जो है इस वक्त नॉमिनेटेड हैं, 126 के ऊपर जो है पूरा मैंडेट मिल जाता है। हम उत्तर प्रदेश की सिर्फ 10 सीटों पर, जिसमें 8 सीट पर हमें मालूम है कि इनकी पूरी बहुमत है इस वक्त जो है, 8 सीट में कंफर्टेबल हैं। कहीं ना कहीं ये रिवेंज लेना चाह रहे हैं अपने जो सीएम और डिप्टी सीएम की जो सीट लोकसभा की हारे हैं गोरखपुर और फूलपुर की, तो कहीं ना कहीं उसका बदला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से झलकता है। चेहरे क्या मतलब, दिखाई देता है कि उनकी खरीद फरोख की राजनीति जो हमेशा हर जगह सर बिकना तो हमारी चॉइस है ना, बिकना तो चॉइस है ना, बिकना थोड़ी जबरदस्ती है, ये तो चॉइस है। बिकना आप खरीद सकता है कोई, हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक नहीं, आप ये मुझे समझें, जरा समझाएं चीज कि आप ये जानते हैं कि एक ऐसी पार्टी जो है और जहां अमित शाह जी का एक तो रिकॉर्ड है कि जिस जगह वो जाते हैं उस जगह वो खरीद फरोख जरूर करते हैं, ये तो आपके पहले 60 साल की सरकार आप लोगों ने भी चलाई है, बिल्कुल चलाइए, मगर उसको कैसे भूले? इन 60 सालों हम अगर 60 ईयर्स की बात करते हैं जिसमें बीजेपी भी अपना टेन्योर बीच में ला चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भाई, खैर बात हाथ, मगर आप ये देखिए खरीद फरोख इतना है कि जहाँ ये दो सीटें ला रहे हैं, गोवा में हम इनसे ज़्यादा, मेघालय में इनसे ज़्यादा, हम इनसे अलग अलग स्टेटों में इनसे ज़्यादा हैं, जहाँ ये दो सीट्स भी लेके आते हैं वहाँ ये पार्टी फॉर्मेशन कर पाते हैं, यानी वहाँ स्टेट में सरकार बना पाते हैं, तो इनका बड़ा निष्पक्ष और बिल्कुल साफ है, आप खरीद फरोख करिए,
सब लोगों को साथ में खरीद के जोड़िए और आप जो है अपनी सरकार वहां पे बनाइए। इसका मौजूदा एग्जांपल जो है हमें हर स्टेटों में देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसमें कहीं कहीं अगर ये सबसे पहले तो झूठ के बुनियाद के ऊपर जो है ये स्टेटों में सरकार बना पाते हैं। झूठे वादे जो है इनके बहुत लंबी सूचियां हैं जो मैं हमेशा जो है चैनल के ऊपर एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, अभी बस कुछ कुछ घंटों का वक्त बाकी है, बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। इसके पहले महेंद्रनाथ पांडे, नंद गोपाल नंदी जो सीनियर लीडर्स हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने हिंदी खबर से खास बातचीत की है, क्या कहा है सुनिए। तरीके से वोट कम पड़ रहे हैं, किस तरीके से वोटिंग होगी सर? इसमें हमारे पास प्रथम वरीयता के ही पर्याप्त मत हैं और लोकहित में हमें द्वितीय वरीयता के भी अच्छे मत मिल रहे हैं। इस नाते हम चुनाव जीतेंगे इस प्रदेश की अच्छी सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, यह समर्थन सबका अच्छे से मिल रहा है। सब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दो लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वह तो न्यायिक आदेश के प्रक्रिया में है, उसमें हम सरकार कहीं से नहीं आती है, हमारी पार्टी कहीं से नहीं आती। किस तरीके से देखते खरीद फरोख्त की भी बात आ रही है कि भाजपा विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है? अब भाजपा जीत रही है तो निराशा हताशा में ये बात जो कर रहा है वो जाने, हम लोग इस तरह की पद्धति के समर्थक नहीं। नवी सीट के लिए आपको वो विधायक कम पड़ रहे हैं, किस तरीके से इसका करें? सीट के लिए हमारे प्रथम वरीयता के मत पर्याप्त हैं और अनेक लोग हमें अपना उचित समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे भाजपा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे जी, जिनका साफ ये कहना था कि जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है और जिस तरीके से लोगों की जनता के बीच में है, जीतेगी भाजपा ही, और जिस तरीके से गणना की बात है गणना में भी भाजपा ही सबसे आगे है, वरीयता की स्थिति में भी भाजपा सबसे आगे है। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। राज्यसभा का चुनाव शुरू हो गया और अभी अभी नंदी जी वोट डालकर आए, उनसे हम बात करेंगे। सर अभी अभी आप वोट करके आए, जिस तरीके के समीकरण जो 90 सीट के लिए बन रहे हैं लगातार, क्या लगता है क्या स्थिति हो? देखिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आई है और आम जनता से लेकर के जनप्रतिनिधि तक की आस्था है भारतीय जनता पार्टी में और हम जीतेंगे। और मेरा अपना इतिहास रहा है तिलक हाल में, जब जब हमने जिस प्रत्याशी को वोट किया वो जीता है। बात ये सामने आ रही कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप ये लगा रहा है कि खरीद फरोख का काम चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर? सर कुछ बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खरीद फरोख की बात आ रही है उस पर भाजपा के लोग ही खुद कुछ बोलना नहीं चाह रहे, मगर जिस तरीके से अगर उनकी बात की जाए तो भाजपा पूरी तरीके से अस्वस्थ दिख रही है कि 4 बजे की वोटिंग के बाद जब काउंटिंग होगी तो जीत भाजपा की ही होगी। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और हर कोई आश्वस्त है से लेकर के उनके कैंडिडेट्स को राज्यसभा में वो पार्टी भेजेगी और जीत उनकी सुनिश्चित है। तो आइए चर्चा की तरफ हम बढ़ते हैं, बीजेपी की ओर से अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। अजय जी, सैफ अली खान साहब जो कह रहे थे, सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है इसकी शुरुआत क्या बीजेपी ने की? मैं मित्र की छटपटाहट को समझ सकता हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा बसपा हो, आज तीनों पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। छटपटाहट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका समय भी अच्छा चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं। हम पिछले लगातार 3-4 साल से अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार सभी स्टेट में जीतते जा रहे हैं और इनके हाथ से सारे स्टेट एक एक करके निकलते जा रहे हैं, इनकी स्थिति को आप समझ सकते हैं। तो कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते हैं, स्थिति तो वो तो कह रहे हैं ना कि ये तो जोड़ तोड़ है आपकी, इसलिए आप जीत रहे हैं। जोड़ तोड़ से जीता नहीं जाता, सारे स्टेट में आज हम 67% पे हम राज कर रहे हैं इंडिया पे, इनकी ये बौखलाहट आप समझिए। ये भारत को कांग्रेस मुक्त करने का जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा है, हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे चलते जा रहे हैं, ये बस परेशान होते जा रहे हैं। और सपा बसपा और कांग्रेस तीनों मिलके भी अगर एक हो जाए तब भी नरेंद्र मोदी जी को नहीं रोक पा रही है, और अगर मैं ये कहूं कि वास्तव में सारा विपक्ष एक हो जाए फिर भी नरेंद्र मोदी जी को नहीं रोक पाएगा। हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे। इस समय हम राज्यसभा की सीट जीतने जा रहे हैं और आगामी जितने भी स्टेट में चुनाव होंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में खुद योगी जी ये कह चुके हैं कि फूलपुर और गोरखपुर में जो कुछ हुआ वो अति आत्मविश्वास की परिणति थी, जो उन्होंने कहा वो ठीक कहा। कहीं ना कहीं हमें आकलन करने की आवश्यकता है कि हमसे क्या कमी रही, लेकिन समय से पहले अगर हमको अलर्ट मिल जाए तो आने वाले समय में बड़ा लाभ मिल जाता है। ये 19 से पहले अलर्ट हमें मिला है और निश्चित रूप से इसका लाभ लेते हुए जहां जहां कमी थी उसको हम ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेसी सपा और बसपा के तीनों मित्र ये मिलके मोदी जी के और अमित शाह जी के अभियान को रोकना चाहते हैं, लेकिन देश के लोगों ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने लक्ष्य तक लेके जाएंगे और निश्चित रूप से भारत कांग्रेस मुक्त होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। ठीक है, मैं एक चीज कहना चाहता
ये सारे दल मिल रहे हैं, सारे अभी तो 3-4 मिले हैं ये केंद्र में, तो कई दल मिला के सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लो, जो इनके 2-2, 3-3 विधायक हैं वो भी इन पर रोज डेली इनको गाली दे रहे हैं, तो ये उनकी बात नहीं करेंगे। अब ये देखो, जहाँ पे त्रिपुरा में जा रहे थे तो बात ये हुई कि योगी जी जीत के आ रहे हैं, देखिए योगी जी का इतना प्रभाव है। अब जो स्वयं की सीट हार गए, उप मुख्यमंत्री हार गए, तो डूबती नाव किसकी है? डूबती नाव तो इनकी ही है, और डूबती नाव से बहुत सारे निकलेंगे। इसके बाद आप देखो बहुत सारे बयान भी आए, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी का हो या और लोगों का, बहुत सारे बयान आ गए। सुब्रमण्यम स्वामी का आ गया कि भाई बाबा जी हैं, घंटा बजाने के इनका काम है ना, तो बेकार में मुख्यमंत्री बना दिया, इनके बस की है नहीं। तो ये इस तरीके की बात करता हूँ। उन्होंने तो गोरखपुर को लेकर योगी ने कहा था कि आप मटका किसी प्रत्याशी बनाइए, आप वहां जीत मिलती। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने अभी योगी जी ने यह कह दिया कि यह तो अति आत्मविश्वास था, मतलब कार्यकर्ताओं के सर पर नारियल फोड़ दिया उन्होंने। ये नहीं कहा कि ये हमारी, अगर हम जीतते तो योगी जी का प्रभाव है, और अगर हार गए तो कार्यकर्ताओं की वजह से हार गए। तो इनकी पार्टी तो ये है, जाकर हारो तो कार्यकर्ता को बता दो, जीते तो मोदी जी जीते और योगी जी जीते। और सबसे बड़ी बात है कि विकास में किया क्या इन्होंने? एक गड्ढा भरवाने का इनका 100 दिन का काम था, 1 साल में गड्ढा नहीं भर पाए, सरकार अभी भी गड्ढे में है, और प्रदेश को भी गड्ढे में। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, हम बता दें अपने दर्शकों।